जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए, आज मैं आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। अंग फड़कना, अंगों का फड़कना यदि व्यक्ति होता है तो काफ़ी उनके मन में जिज्ञासा होती है कि दाएं हाथ का फड़कने से क्या होता है, बाएं हाथ के फड़कने से क्या होता है। उन्हीं सभी प्रश्नों और उत्तरों को लेकर के मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ। जय श्री राम, जय श्री चित्रकूट धाम। यदि किसी व्यक्ति के सिर में फड़कने हो तो सौभाग्य सूचक माना जाता है। दूसरा, यदि सिर दोनों ओर फड़के तो उसे धन की प्राप्ति होती है, मात्र दाहिनी ओर ही फड़के तो किसी यात्रा पर जाना होता है। संपूर्ण मस्तक का फड़कना दूर की यात्रा की सूचना देता है और रास्ते में परेशानी उठानी पड़ती है। यदि किसी व्यक्ति की कनपट्टी फड़के तो वह अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेता है। यदि गर्दन फड़के तो व्यक्ति विदेश यात्रा करता है और वहां से धनार्जन करके कुशलतापूर्वक लौट आता है। यदि किसी व्यक्ति का दाहिनी ओर का कान फड़के तो उसे शुभ समाचार मिलता है और उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यदि किसी व्यक्ति का बायां कान फड़के तो उसे किसी प्रियजन से मिलना अथवा किसी शुभ चिंतक से मिलना होता है। यदि कान का पिछला भाग फड़के तो मित्र शत्रुवत व्यवहार करते हैं और उसे अपमान सहना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति की दाहिनी ओर की भौं फड़के तो उसे ख्याति प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दाहिनी आँख भी फड़के तो उसकी समस्त अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। बाईं ओर की भौं का फड़कना मित्र से मिलने की सूचना देता है। यदि उसके साथ ही बाईं आंख भी फड़के तो कोई शुभ समाचार भी मिलता है। यदि किसी की दाहिनी आंख फड़के तो उसे किसी प्रियसी से मिलने अथवा किसी मित्र के से मिलने की सूचना देती है। यदि दाहिनी आंख का मध्य भाग फड़के तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर धन अर्जित करता है। यदि निचला भाग फड़फड़ाता हो तो किसी से मनोमालिन्य होता है, यानी मनोमालिन्य का मतलब मन खराब होता है। यदि किसी व्यक्ति की दाहिनी पलक फड़फड़ाती हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्ति होती है। यदि वह लगातार फड़फड़ाए तो रोग से शारीरिक कष्ट होता है। यदि आंख की पुतली फड़फड़ाए तो उसे बच्चों से सुख मिलता है। इसके विपरीत बाईं ओर की पुतली फड़फड़ाए तो कार्य नाश होता है। यदि किसी व्यक्ति की दाईं ओर का गाल फड़फड़ाए तो व्यक्ति बीमार हो तो उसके स्वास्थ्य में सुधार भी संभावना नहीं रहती अथवा विलंब से स्वास्थ्य लाभ होता है। बाएं गाल में फड़फड़ाहट होना काम में विघ्न बाधा आने का संकेत है अथवा परिवार का कोई व्यक्ति या मित्र बाहर से आकर चिंताजनक समाचार देता है। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ संतान उत्पन्न होने वाले हो और उसके बाएं गाल के मध्य में फड़फड़ाहट हो तो उसके घर कन्या का जन्म होता है और जन्म होने की संभावना न हो तो पुत्री से कोई शुभ समाचार मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के दोनों ओर के गाल समान रूप से फड़फड़ाएं तो व्यक्ति को अतुल धन प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति की नाक फड़फड़ाती हो तो उसके व्यवसाय में वृद्धि होती है। यदि फड़फड़ाहट मात्र दाहिनी ओर हो तो किसी से झगड़ा होता है। यदि नाक की नोक फड़फड़ाहट हो तो किसी आने वाले संकट की सूचना देती है अथवा व्यक्ति शीघ्र ही रोगी होकर सैया पकड़ लेता है। यदि किसी व्यक्ति के नाक के नथुने के अंदर फड़फड़ाहट महसूस हो तो उसे सुख मिलता है। यदि दोनों नथुनों के अंदर फड़फड़ाहट का अनुभव हो तो उसे प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की नाक का बाईं ओर का भाग फड़फड़ाए तो उसे आने वाले समय में अनेक प्रकार से सुख प्राप्त होते हैं। मुँह का फड़फड़ाना पुत्र की ओर से किसी भी शुभ समाचार को सुनवाता है। यदि किस मुँह की दाईं ओर फड़फड़ाहट हो तो सुखों की प्राप्ति और बाईं ओर फड़फड़ाहट हो तो सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति का ऊपरी होंठ फड़फड़ाए तो शत्रुओं से हो रहे झगड़े में समझौता हो जाता है। नीचे का होंठ फड़फड़ाए तो किसी हितैषी का अपमान होता है। यदि दोनों होंठ फड़फड़ाए तो कहीं से सुखद समाचार मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की होठी में फड़फड़ाहट का अनुभव हो तो मित्र के आगमन की सूचना देता है। ठोड़ी के दाहिनी ओर के भाग में फड़फड़ाहट का अनुभव हो तो सुख और समृद्धि मिलती है। यदि मूंछों के ठीक नीचे व्यक्ति फड़फड़ाहट का अनुभव होता है तो उसकी आकांक्षा पूरी होती है। जब किसी व्यक्ति का दाहिनी ओर का कंधा फड़फड़ाहट
करता है तो उसे धन संपदा मिलती है। बाईं ओर का कंधा फड़फड़ाने का किसी कार्य में सफलता मिलती है। यदि किसी ओर से कंधे फड़फड़ाएं तो किसी के झगड़े होने की संभावना बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति की दाहिनी ओर की बाजू फड़फड़ा है तो धन और यश की प्राप्ति होती है। बाईं ओर की बाँह फड़फड़ाए तो नष्ट अथवा वस्तु की प्राप्ति होती है। जैसे खो गई हो वस्तु तो उसकी प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ का अंगूठा फड़फड़ाए तो उसकी अभिलाषा पूर्ति विलंब होती है। यदि हाथ की उंगलियां फड़फड़ाए तो अभिलाषा पूर्ति के साथ साथ किसी मित्र से मिलन भी होता है। यदि किसी व्यक्ति के बाईं ओर की बगल फड़फड़ाहट हो तो उसे शुभ समाचार मिलता है और आने वाले समय में सुख प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ की कोहनी फड़फड़ाती है तो किसी से झगड़ा होता है, अपरंत विजय उसे ही मिलती है। यदि बाएं हाथ की कोहनी फड़फड़ाए तो धन की प्राप्ति होती। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने हाथ की हथेली में फड़फड़ाहट हो तो ये शुभ शकुन है और उसे आने वाले समय में सुख संपदा प्राप्त होती है। यदि हथेली के किसी कोने में फड़फड़ाहट हो तो निकट भविष्य में किसी व्यक्ति के साथ विपदा में फंस सकता है। बाएं हाथ की हथेली में फड़फड़ाहट हो और व्यक्ति रोगी हो तो उसे शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ की सभी उंगलियां और अंगूठा फड़फड़ाए तो आने वाले समय में उसके किसी कठिन विपदा में फंसने की संभावना रहती है। यदि किसी व्यक्ति की पीठ में बादाई और फड़फड़ाहट अनुभव हो तो व्यक्ति समाज में लोकप्रियता प्राप्त करता है। पीठ के ऊपरी भाग में फड़फड़ाहट का अनुभव होने से किसी विपदा में फंसे हुए संभावना रहती है। पीठ की दाहिनी ओर का भाग फड़फड़ाए तो व्यक्ति की पत्नी को प्रसव होने वाला हो तो उसे निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के दाहिनी ओर की बगल फड़फड़ाहटी है उसे आगे चलकर नेत्रों का रोग होता है। यदि किसी व्यक्ति की दाहिनी ओर की पसलियां फड़फड़ाती हैं तो उस पर विपदा उनका पहाड़ टूट पड़ता है। इसके विपरीत बाईं ओर की पसलियां फड़फड़ाएं तो सफलता मिलती है। जहां कमर की दाहिनी ओर की फड़फड़ाहट किसी विपदा का संकेत देती है वहीं बाईं ओर की फड़फड़ाहट किसी शुभ समाचार का संकेत देती है। यदि किसी व्यक्ति के गुप्तांग में फड़फड़ाहट का अनुभव हो तो उसे दूर की यात्रा जाना होता है। छाती में फड़फड़ाहट होना मित्र से मिलने की सूचना। छाती के दाहिनी ओर फड़फड़ाहट हो तो विपदा का संकेत। बाईं ओर फड़फड़ाहट हो तो जीवन में संघर्ष और मध्य में फड़फड़ाहट हो तो लोकप्रियता मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय का ऊपरी भाग फड़फड़ाता है तो वह आने वाले समय में किसी झगड़े में फंस जाता है। जिस व्यक्ति की दाहिनी ओर की जांग फड़फड़ाती है उसका लोग पीठ पीछे अपमान करते हैं। बाईं ओर की जांग फड़फड़ाती हो तो धन लाभ प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति की दाईं ओर और का अंडकोष फड़फड़ाए तो खोई वस्तु की प्राप्ति होती है। बाईं ओर का फड़फड़ाए तो पुत्र से सुख और विपदेश यात्रा का संयोग बनता है। जब किसी व्यक्ति का दाहिना नितंब फड़फड़ाता है तो उसे प्रसिद्धि मिलती है। बाईं ओर का फड़फड़ाता है तो किसी से सुख मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के दाहिने पैर का तलवा फड़फड़ाए तो उस व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कार्य की सफलता में विलंब होता है और व्यर्थ में ही प्रवास करना पड़ता है। यदि बाएं पैर का तलवा फड़फड़ाए तो निश्चित रूप से यात्रा पर जाना होता है। यदि किसी व्यक्ति का दाहिना टखना फड़फड़ाए तो उसे व्यर्थ के कष्ट झेलने पड़ते हैं और बाईं ओर का टखना फड़फड़ाए तो मित्र से मिलना होता है। दोस्तों, यह था आपका अंग फड़कने का विषय, जो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कुछ ही समय में, कम समय में देने का हम प्रयास किए हैं। अंगों का फड़कना के विषय में आपको इसके पश्चात बताया जाएगा छींक विचार के विषय में। छींक में काफ़ी लोग प्रश्न उठता है कि इसका उत्तर कैसे मिले, तो इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के हम उपस्थित होते हैं। यदि अच्छा लगे तो अपना सहयोग प्रदान करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा अनुसार है, मैं किसी चीज़ का बढ़ावा नहीं करता, लेकिन जो शास्त्रवत है, जो लिखा हुआ है, यदि आप उसके इच्छुक हैं, उसके प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं तो मैं आपको स्वप्न शास्त्र के माध्यम से यह जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री चित्रकूट धाम। किसी भी प्रकार की धार्मिक कार्यक्रम के लिए या किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु चित्रकूट धाम से संबंधित आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री चित्रकूट।